भोजपुरा जंगई से। तो आप अपने मरीज को लाए हैं? जी सर। क्या हुआ आपके मरीज को? सांप काटा था। सांप काटा? हाँ। तो कब लाए अपने मरीज को? लगभग 7 बजे पहुँचे सर। 7 बजे शाम को? अच्छा, फिर आपके मरीज जो है ख़त्म हो गई? ख़त्म हो गई सर। तो मरीज क्या नाम आपके जो ख़त्म हो गई? बच्ची? बच्ची आपकी? नहीं ना, मेरी लड़की। तो आप जो है परेशान हो रहे हैं, किस लिए परेशान हो रहे हैं? साधन नहीं है। किस चीज़ के लिए? शव ले जाने के लिए? जी साहब। तो आपने किसी से कहा शव को ले जाने के लिए? कौन बड़े साहब? डॉक्टर साहब की कहा। फिर जाएंगे? नहीं, बड़े डॉक्टर साहब ने कहा। कौन सी? एमएस साहब ने? अच्छा, बोले कि तेल भराना होगा। सी एम एस साहब ने कहा कि आप अपने पैसे से तेल भराइए, तब शव को लेके जा पाएंगे। बोल रहे सरकार हमें तेल नहीं दे रही। सरकार तेल नहीं दे रही है? तो आप किस गांव से हैं? लेकिन उसके परिवार वाले डॉक्टर से ये कहते लगे मुझे, मेरी लाश जो है मेरे घर तक पहुँचवा दिया जाए और गाड़ी दे दें। लेकिन वहाँ पर वो रोता भी लगता रहा, लेकिन कोई गाड़ी नहीं दिया और वो अपने साथ। मैं इस संबंध में सीडीओ साहब हमारे साथ हैं। मैं सीडीओ साहब से, सीडीओ साहब आप जो इन्होंने विषय को संज्ञान में लाया है उसकी जाँच करवा लीजिए कि जो इस तरह से अगर कोई किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये भी कहा कि आप हमको सरकार पैसा गाड़ी के तेल का है, तेल जो तेल का पैसा तो सरकार ने सभी समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रखी है और गांव गरीब किसान के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्प है। उनकी सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए, शिक्षा की सेवाओं के लिए, हर चीज़ के लिए, कृषि के लिए, हर मतलब जितनी भी सेवाएँ हैं जनता के हित के लिए वो होती हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्प है, उसी संकल्प के साथ काम कर रही है। अगर जो आपने विषय लाया है उस संबंध में अगर कोई बात होगी तो उसकी हम मुख्य विकास अधिकारी महोदय मौजूद हैं। मैं कहता हूँ इसको जांच करा के उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। एक कल सुजान की लड़की जहाँ पर चेक हो गया था, उसने गाड़ी मांगा काफ़ी दूर जा रहा था, आरोप लगा रहा है कि यहाँ से स्टाफ से पैसा मांगा और गाड़ी दे दिया, क्या है इसका मामला? नहीं, हमने इस बात को पता लगाया था। मेरे पास शव वाहन थी लेकिन वो फील्ड में दोनों गई हुई थी, तो उनको बोला गया था कि यहाँ के स्टाफ के द्वारा शव वाहन आपको मिल जाएगा, तो वो इंतज़ार नहीं किए, वो किसी प्राइवेट व्हीकल। अब कैसे वो बात किए, किससे बात किए, किसके साथ लेके गए इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बाद में वो किसी प्राइवेट वाहन का अपना व्यवस्था करके लेके चले गए, लेकिन उनको चाहिए था कि सरकारी वाहन का वेट करते तो उनको सरकारी वाहन से हम भिजवा दिए होते। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं, पूरी तेल की व्यवस्था है, मरीजों को पैसा नहीं देना पड़ता है। और विपद परिस्थिति में अगर वो गरीब है तो मैं खुद भरवाने में सक्षम हूँ, मेरे पास मद है उससे मैं तेल दे सकता हूँ उसको। भाई परिजन है, दुखी का होके गया है तो आरोप लगाने का उसका अधिकार है, कोई किसी को भी लगा सकता है, लेकिन उसको मुझसे मिलना चाहिए था। अगर ऐसा कोई बात होता तो उसको अपने सीएमएस से मिलना चाहिए। मैं राउंड द क्लॉक अस्पताल में ही रहता हूँ।